ये आज 16वें रोजे की इफ्तार का प्रोग्राम है। वो ऐसी मुकद्दस जगह जो पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में जिनके लिए लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और उसी मुकाम पे आज रोजे इफ्तार की पार्टी, रोजे इफ्तार का आयोजन किया गया। मैं तमाम रोज़ेदारों से और जितने भी लोग यहाँ इसमें शिरकत की उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे पाक महीने में जिसमें सिर्फ और सिर्फ तकवा, परहेज़गारी और एहतियात के साथ में कौम और मिल्लत के लिए दुआएं करें, अपने ख़ानदान के लोगों के लिए दुआ करें, अहले ख़ानदान के साथ में जो तमाम इस दुनिया में जो लोग रुख्सत हो गए हैं उनकी मगफ़रत की दुआ करें। हर साल की तरह यहाँ मीर जी का बाग में सरकार ने रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम किया और मैं बरसों से देख रहा हूँ, कई सालों से 16वें रमज़ान को यहाँ रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम होता है और आज सरकार ने एक बात तय कर दी और यहाँ से मीर जी के बाग से आवाज़ उठ गई कि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत के रूप में उठ गई। इस बात की घोषणा आज यहाँ से जब किसी रिलीजियस प्लेस से और सूफिज्म के दरवाजे से ये आवाज़ उठ जाए तो ये समझ लो कि उस आवाज़ में दम है और वो आवाज़ पूरी होगी। तो मैं आज सभी रोज़ेदारों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, हमारे दिलो मुर्शिद को बधाई देता हूँ, फिर से एक बार बहुत शानदार रोज़े का प्रोग्राम यहाँ, रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और खूबसूरती यहाँ की है कि यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। जैसा आपने बताया कि हर आदमी की इच्छा ये रहती है कि मैं कैसे इसमें अपने आप को भागीदार समझूं, तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो मैं जितने रोज़गार यहाँ तशरीफ़ लाए उनके को मुबारकबाद देता हूँ कि इस मुबारक महीने में उन्होंने अपनी मसरूफियात में से चंद मिनट निकाले और सवाब दारैन हासिल किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महीने में कोई भी नेक काम किया जाए तो उसका सवाब 100 गुना ज़्यादा होता है। जहाँ तक सवाल है रोज़ा इफ्तार का, तो हमारे यहाँ इस्लाम में इज्तिमाईयत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई, चाहे वो इज्तिमाई नमाज हो, चाहे इज्तिमाई खाना हो, चाहे इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार हो। तो ये एक इस्लाम का सबसे पहला रुकन है कि आप मिल बैठ के खाएं, जिससे आपसी मोहब्बत हो। और हमारे जो इफ्तार हैं उनकी ये खसूसियत होती है कि इसमें बग़ैर मजहब व मिल्लत लोग शरीक होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए दरवाजे खुले हैं।